मैं अपने आप में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने मुझे इस खिताब से नवाजा, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उससे पहले दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बदौलत, उनके नाम की बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने और अपने ख्यालों का इजहार कर रहा हूँ। तो दादा साहब फाल्के साहब जो हैं वो वाकई में बाबा सिनेमा है, आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और मुझे इतनी खुशी है, इतना अच्छा एहसास हो रहा है कि आज मैं उनके नाम से मुंसलिक हुआ हूँ, आज मैं उनके नाम से एक अवार्ड ले रहा हूँ। अपने आप में बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दादा साहब फाल्के को भगवान स्वर्ग अता करे, उनको खराज तहसीन अता करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत खुश हूँ इस बात से। और दादा साहब फाल्के फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जूरीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और सारे फाउंडेशन के लोगों को मैं खुशी का इजहार करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी बदौलत, उनका प्यार जो मिला है उसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। सिर्फ ऑडियंस के प्यार की वजह से ये सब कुछ मिलता है हम लोगों को। थैंक यू। सबसे पहले मैं सब लोगों का स्वागत करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस शाम में आप लोग हमारे साथ हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे दादा साहब फाल्के यूथ आइकॉन अवार्ड से हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने नवाजा है, इसके लिए मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और बड़ा मज़ा आ रहा है कि यूथ आइकॉन अपने आप को सोच के बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमारे जो दादा साहब फाल्के हैं जिनके नाम से सारी इंडस्ट्री आज, मतलब जिनसे हम लोग शान से जीते हैं, पूरे हॉलीवुड तक हमारी पहचान है, वो सिर्फ दादा साहब फाल्के की वजह से है। और हर एक का सपना होता है दादा साहब फाल्के के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ने का। आज देखिए वड़ागो इंसिडेंट के मेरा नाम आज उनके अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मेरे साथ मेरे दोस्त जावेद हैदर भी है, और हम लोग बहुत ज़्यादा प्राइड फील कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस अवार्ड नाइट को इंजॉय करें। और देखिए अभी मेरी लाइव की ऐसी की तैसी जस्ट रिलीज हुई थी, अब मैंने भी और बिल्कुल जावेद भाई हमारे साथ थे, हमने ब्लैक मनी पर आधारित पहली फिल्म बनाई थी वो नोटबंदी के ऊपर। अब मेरी एक मूवी आ रही है अवंतिका, अवंतिका बॉलीवुड की पहली हॉरर कॉमेडी है, ऑफिशियल हॉरर कॉमेडी, और इट्स गोइंग टू रिलीज वेरी सुन। और इट्स ऑफिशियल कॉमेडी इसलिए कहूँगा हॉरर कॉमेडी क्योंकि आज तक बहुत सारी हॉरर कॉमेडी साउथ में हुई हैं, लेकिन बॉलीवुड में आज तक किसी ने ऐसे कह के नहीं कहा कि ये हमारी हॉलीवुड हॉरर कॉमेडी है। तो ये हॉरर कॉमेडी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब ये आएगी तो इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारे ऑर्गेनाइजर का और ख़ास तौर पे अजय गोसलिया जी का, और मेरी खुशनसीबी भी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है मुझे। दादा साहब फाल्के साहब जो जिन्होंने मतलब मैंने शुरुआत ही की जिसकी वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री चल रही है और वो अवार्ड मुझे मिल रहा है और मेरा हक है वो। खैर मैं 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहली फिल्म मेरी खुदगर्ज थी जिसमें मैंने शत्रु जी का बचपना किया था, उसके बाद मैंने कई कलाकारों के बचपने किए हैं, और आखिरी फिल्म मेरी वेलकम बैक थी और लाइफ की अच्छी तरह सचिन ने डायरेक्ट किया था फिल्म, मुझे बहुत अच्छा रोल दिया था। अच्छा हो रही है, होती रही है। डायरेक्टर साहब अभी लाइफ बनाई है वो टाइटल था लाइफ की अच्छी तरह। नेक्स्ट मेरी आ रही है दबंग 3 जिसमें बहुत अच्छा रोल है, सुपर हिट पिक्चर है, स्टार है, स्टार रहेंगे। थैंक यू हैप्पी। वी आर ऑनर टू बी हियर टुडे एंड वी आर फीलिंग गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड एंड वी आर हैप्पी, दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू। वेल वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी ओवर हियर and to receive an award from such from such wonderful people is really fantastic. Thank you. Thanks.
हाय एवरीवन, माय नेम इज कृति वर्मा. आपने मुझे बिग बॉस सीजन 12 में देखा होगा 2018 में. एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो रहा है आज. आई एम डूइंग द एंकरिंग. आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग डांस आइटम्स. एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विश कि मुझे भी कोई अवार्ड मिले, क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ अ बिग टाइटल. इट्स अ बिग नेम. सो आई फील प्रिविलेज्ड अगर मुझे मिलेगा. तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. इस बार बिग बॉस बहुत अच्छा आ रहा है. बिग बॉस हर साल अच्छा आता है क्योंकि नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, और बिग बॉस बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स को हर जगह से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जो हमें हर साल दिखते हैं. हमारा वाला भी अच्छा था, सीजन 11 भी अच्छा था, और सीजन 13 जो अभी आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है. अरे अंदर जाने वाली फीलिंग तो बहुत डिफरेंट है. तुम वहाँ चाहे 3 दिन रुको या 3 महीने रुको, मुझे लगता है बिग बॉस के घर के अंदर जाना ही इट्स अ बिग थिंग. मतलब वो ऐसी फीलिंग है शायद जो सिर्फ एक बिग बॉस के घर में जो रह चुके हैं ना वो ही फील कर सकते हैं. इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यूनिवर्स. वहाँ कोई तुम्हारी क्लॉक नहीं होती, कोई वॉच नहीं होती. एंड जो सुबह चाहे अलार्म बजे बिग बॉस के घर का, हमें पता होता है कि शायद 3 घंटे में अलार्म बज जाएगा, और रात तक फिर भी लोग बातें कर रहे होते हैं. जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, और ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें तुम्हें डील करना है. एंड यू नो कि तुम ऐसे भी रिएक्ट करोगे और तुम्हें जनता देखेगी, जज करेगी, और क्या दिखाया जाएगा टीवी पे, यू नेवर नो. 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे में क्या दिखाते हैं वो, इट्स जस्ट इन द हैंड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस. सो बिग बॉस बहुत एक अलग दुनिया है, डेफिनेटली. 3 महीने वहाँ, मतलब 6 महीने के लिए चले जाए. हर हफ्ते सलमान खान अगर बात करेंगे तुमसे तो कौन नहीं जाना चाहेगा, पहले ये बताइए. सलमान सर के लिए जाना चाहेंगे और किसी के लिए नहीं? सलमान सर के लिए तो डेफिनेटली जाना चाहेंगे. 3 साल कैद कर लो चाहे. थैंक यू. आप सब लोग को देख के यहाँ पे, और ये अवार्ड फंक्शन जो हो रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड, मैं इसमें एज अ गेस्ट आया हूँ. भोजपुरी में तो अक्सर जाता रहता हूँ, हिंदी सिनेमा से जुड़ने का बहुत अच्छा, बहुत खुशी है. और मेरे साथ हमारी भोजपुरी फिल्म की नायिका, जिसका नाम है तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, तो इसकी नायिका हैं. और ये हमारे मित्र हैं, राजस्थान से आए हैं. हम लोग 2-3 फिल्म साथ में कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर. बड़ी अच्छी फिल्म बनी है भोजपुरी फिल्म, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का. बड़ी मुश्किल से ढूंढा है 16 बरस की नायिका को. बलिया की रानी है ये. और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, हम लोग को यहाँ बुलाया एज अ गेस्ट. Thank you. सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा शख्स है जो सब लोग जानते हैं, गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना. तो कल्याण जी जाना ये बंदा बहुत नीचे से आकर के आज यहाँ तक पहुँचा है, और जो फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के जी को, मतलब उनके उनका समझ लीजिए बर्थडे मना रहे हैं एक लेवल पर. मतलब ये बंदा खुद को इंडस्ट्री को लेकर के जो अपनी उपलब्धि दिखाई है उसको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आईं, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स. थैंक यू सो मच. तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होना चाहिए, लोगों की जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि आज सिनेमा जो हिंदुस्तान में आया है दादा साहब फाल्के की वजह से आया है, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. उनके नाम से, उनके काम से ये उत्सव होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए. हमारा फेडरेशन करता है, हम तो सपोर्ट करते हैं. आज जहाँ भी तकरीबन मुझे लगता है कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं और काम कर रहे हैं, तो फेडरेशन जो है उस सपोर्ट में आ जाता है, खड़ा रहता है. मैं यहाँ भी कल्याण जी जाना के लिए आया हुआ हूँ, तो फेडरेशन तो अच्छे काम के लिए तैयार है. फेडरेशन जो है दादा साहब फाल्के के नाम पर 85,000 घर बना रहा है अपने वर्करों के लिए, उनके लिए हेल्थ के लिए. घर जो है ये कुछ मुझे लगता है कि अगले नवंबर तक मिलना शुरू हो जाएगा. 1 साल लगेगा, अगले नवंबर तक हमें उम्मीद है, काम हमने शुरू कर दिया है. सुना नहीं दिया. सरस्वती दादा साहेब फाल्के 2019 आइकॉन ये प्रोग्राम हो रहा है,
और शैलेंद्र शेनॉय जी जो है उन्होंने मुझे इतना प्यार से बुलाया इधर, मुझे इनविटेशन आया है। मैं डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, ज़रा कट करो, मैं पहले से बोलती हूँ, पांडे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे 56 अवार्ड्स मिले ऑल महाराष्ट्र से, मुझे सरस्वती दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहला मुझे मिल चुका है। अभी मुझे शैलेंद्र शेनॉय जी ने प्यार से इतना इन्विटेशन दिया और ये प्रोग्राम के लिए मैं आई हूँ, और उनका मान रखते हुए मैं उनको ब्लेसिंग देती हूँ कि वो ऐसे ही शो करते रहे, सबको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता रहे और वो बहुत अच्छा काम करे कि उनका जो ये पहला प्रोग्राम बांद्रा में रंगशादा हॉल में हो रहा है, और ये प्रोग्राम में काफ़ी सेलिब्रिटी आ रही है, बॉलीवुड एक्टर, सीरियल एक्टर, मराठी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कम से कम 50 सेलिब्रिटी आ रहे हैं, और मेरे हमेशा ब्लेसिंग उनके साथ रहे कि वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और हमेशा आगे बढ़े, अपना नाम कमाए और लोगों को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलते रहे। नमस्कार। कुछ बोलना है मुझे? मिसेस कल्पना आडिया और मैं एमपी शाह इंग्लिश हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। इसके पहले मैं उत्पल संघवी स्कूल में थी और उसके पहले मैं दानू में प्रिंसिपल थी। आई हैव 35 इयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन वर्ल्ड एंड मेरी स्कूल जो है वो छोटी सी SSC बेस्ड स्कूल है और यहाँ पे जो है बहुत ही मीडियम और वीक सेक्शंस, पोअर सेक्शंस के स्टूडेंट्स आते हैं और हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको इन हाउस डांस, म्यूज़िक, कराटे एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी डू फॉर देम, एंड आई एम प्राउड टू बी इन द एजुकेशन फील्ड एंड आई होप दैट आई कंटिन्यू सर्विसिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड द यंगर जनरेशन एंड सो दैट इंडिया कम्स अप एंड we are able to do a lot for the children. Thank you. Dada Saheb Phalke Icon Award is something which I think is the best reward that I can get of this 35 years of service, and I'm very, very thankful to the organizers and Kalyanji Bhai for nominating me and making me give this award. I'm very thankful. करना चाहूँगी कि मुझे इस दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए नॉमिनेट एंड सिलेक्ट करने के लिए फन टू लर्न एक संस्था है जो वुमेन को एक प्लेटफॉर्म देता है। वी वर्क ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वी गिव एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू वुमेन हु कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस एंड वी हैव बीन इन टू एजुकेशन सिंस 14 ईयर्स एंड कल्याण जी को तहे दिल से हमारे काम को सहारने के लिए और हमें इस अवार्ड के लिए एलिजिबल समझने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो नॉमिनेट होता है उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है, सिलेक्ट होके अवार्ड मिलना तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आप जितने भी इस अवार्ड में आए हैं उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल दादा साहब फाल्के के नाम से अवार्ड होता रहता है, मगर ये पहली मरतबा अपने आप का एक नया तरीके से अवार्ड रखा गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जिसमें मैं किसी को अपने हाथों से दूंगा और मुझे भी दिया जाएगा अवार्ड। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्री को बनाने वाले भीष्म पितामह यानी रचयिता जो थे जो हैं दादा साहब फाल्के साहब, उनके नाम से जो ये अवार्ड रखा गया है, मैं इसके पूरे ऑर्गेनाइजर के लोगों को सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, इससे जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनको भी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जिनको नहीं मिला उनके लिए दुआएँ करता हूँ कि अगली बार उन लोगों को भी मिले और बाकी सबको मिलता रहे, यही मेरी सबको शुभकामना है। कल्याण जी आप कर रहे हो? जी जी, कल्याण जी एक ऐसे कलाकार हैं, मैं कहूँ कि खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये शेर आज से हमारे पैदा होने से पहले का है, मगर ये कल्याण जी ने उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि पूरे सगल के माहौल से वो निकलते 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 आज उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। आज कल्याण जी ने ये जो बहुत बड़ा अवार्ड रखा, मतलब इतना बड़ा अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के, बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कल्याण जी को हिम्मत दे, ताकत दे, आप सबों का आशीर्वाद मिले कि ये अवार्ड इस साल तो इस पैमाने पे है, अगले साल इस बड़े पैमाने पे हो, यहाँ तक कि ये दिनों दिन रात चौगुनी सक्सेस होता रहे। थैंक यू सर। थैंक यू।
जाएगा करनी सेना का सारित नडियाद वाला को, अक्षय कुमार को, फोक स्टार स्टूडियो को। हाँ, तो आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो ये राजपूतों के ऊपर फिल्म आ रही है ना, वही बताया, लेकिन वो थोड़ा बेस वही है उसके अंदर। आपने आपने एक नहीं नहीं सर उछलता नहीं नहीं गुजरात के अंदर रिलीज हुई पद्मावती, छह स्टेट के अंदर पद्मावती गुजरात की बात करो, राजस्थान में रिलीज हुई नहीं हुई ना, अभी मुंबई में भी नहीं होगी, हाउसफुल फॉर मुंबई में रिलीज नहीं होगी, मैं तो खड़ा के दिखा दो राइट बराबर। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सलोनी बिष्ट और अभी हम हमारी फिल्म लव मैरिज का प्रीमियर शो करके यहाँ पे आ रहे हैं अवार्ड में, और बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली, और अब देखते हैं आगे क्या होते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा नाम है दादा साहब फाल्के, इसमें हम आके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। और मेरे साथ हैं हमारे दोस्त अमरीश सिंह जी, हम लोग अभी एक फिल्म के ट्रायल देख रहे थे लव मैरिज, जिसके ये हीरो हैं और अक्षरा सिंह जी हीरोइन है, एक सेकेंड हीरोइन ये भी हैं, तो वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए हैं और बस विश कर रहे हैं कि ये अवार्ड सक्सेस हो और हम सब साथ में सक्सेस हो जाए। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ के मीडिया भाई और दोस्तों का, जो कि आप लोग इतना बढ़िया स्वागत किए आते ही, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि मेरे गार्जियन मेरे मित्र के गोस्वामी का, कि मैं नाम सुनता रहा लेकिन आज उस कारवें तक पहुँचा दादा साहब फाल्के अवार्ड में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अवार्ड सुपर डुपर हिट रहे और इस अवार्ड का एक अंक और अंश मैं भी बनूँ। थैंक यू। उनका नाम है, नाम ही काफ़ी है, वो हमारे इंडस्ट्री के जनक हैं, अगर उन्होंने ये इंडस्ट्री शुरू नहीं की होती, फिल्म मेकिंग शुरू की नहीं होती, हम यहाँ नहीं होते, आप यहाँ नहीं होते, करोड़ों की ये इंडस्ट्री आज नहीं होती, सो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और ये अवार्ड चूँकि उनके नाम पर है तो इस अवार्ड का मिलना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है। कल्याण जी जाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी कल्याण जी जाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाँ उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा नाम है वो भी, मतलब उन्होंने अपने टाइम में बहुत ही खूबसूरत ऐसा अमर म्यूजिक दिया है, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया अमर, मतलब हमेशा बना रहेगा, इतना बढ़िया, इतना गहराई के साथ उन्होंने वो म्यूज़िक दिया है, हमेशा गुनगुनाने वाला म्यूज़िक दिया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, आइकन अवार्ड 2019, अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है, मुझे लगता है कि मेरा कोई भी शब्द बहुत छोटा होगा इस अवार्ड शो को ग्रेस करने के लिए, और ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है कि मैं इस अवार्ड का हिस्सा बन रही हूँ और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, तो ये इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे परफॉर्मेंसेज है, अलग अलग गानों पे परफॉर्म कर रही हूँ, और कल्याण जी, अजय जी और स्नेहा जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस साल के इस अवार्ड शो में उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया, और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोग ने भी इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया। बस कौन से गाने परफॉर्म करने वाले हो? मैं 3-4 गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा जो मेरा बेस है क्लासिकल वो भी है, कुछ वेस्टर्न सॉन्ग है, सूफी सॉन्ग्स भी है, बाकी तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। हम खुशनसीब है यार, आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं और हर जगह नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, और आने वाले समय में और आगे हम जाएंगे तो गर्व की बात है, यहाँ तक पहुँचना और आधा साल फाल्के प्रोग्राम बना और हमारे भोजपुरी के लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो सबको सलाम, आप सब से प्यार देते रहे, एंजॉय करते रहे और इंतजार करते रहे हमेशा हमको हर साल मिले। ओनली 6 हिंदी मूवी है और सिंगल फिल्म भोजपुरी है, जो डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी है, बाकी जो खुद मैं डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर हूँ, जो मेरा यूट्यूब पे काफ़ी हाईलाइट हुआ है, बड़ा पाव गरम मसाला, टैक्सी ड्राइवर भाभी जी, और काफ़ी आप देखिए यूट्यूब नाम खोलिए पता चलेगा, निर्भया जो मेरा यूट्यूब चैनल है। वेलकम। सबसे पहले तो तीसरी बार आ रही हूँ, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। जब सबसे पहली बार आई थी तो मेरा फर्स्ट अवार्ड था जो मैंने देखा, तो
बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, 2 साल हो गई इस बात की, तो इतनी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई है, इसलिए आ रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार दूसरी जगह शो हो रहा है और दूसरी टीम के साथ, सो लेट्स सी कैसे करेंगे। जो भी है, इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, इंडस्ट्री मेरी फैमिली है, तो ये अवार्ड भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और जिनको भी अवार्ड मिलने वाला है उनके लिए बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे ये नाम, ये जनक है, आज 100 साल का सिनेमा है, ये नाम अपने आप में वो इन हाथों से दिया गया बीज है जिसकी वजह से आज जो है, आज सिनेमा जो है 100 साल में बरगद का वृक्ष जैसा हो गया है, तो उसका बीज डालने वाले तो हम लोग तो इस नाम को एक महामानव की उपाधि देते हैं कि क्या दिमाग में आया होगा। आज लाखों करोड़ों लोग अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, तो दादा साहब को हम सैल्यूट करते हैं, वो हम लोगों के दादा ही हैं। ये हमारे वाकई उपलब्धि की बात है, जैसा राजपाल भाई ने बोला कि इस शब्द के साथ जुड़ना ही अपने आप में, मतलब कौन कितना काबिल है वो तो एक बात की बात होती है, लेकिन आप उस कार्यक्रम में या उस आयोजन में आप शामिल होते हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय उपलब्धि है कह लीजिए, या आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिससे आप सिनेमा के साथ थोड़ा बहुत भी जुड़े रहे, उस वजह से आपको इसके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा, तो ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ते से मतलब हमारी खुद की एक लेवल, उस लेवल तक काउंट होने लगती है, तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमको ये सम्मान, दादा साहब फाल्के का आशीर्वाद हमको आज मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, और अब तो थोड़ा हौसला और बढ़ गया कि और अच्छा काम करना है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य से मुझे जाना था कहीं आज, और जब ये सूचना मिली तो मैं खुद इतने धर्म संकट में पड़ गया कि एक तरफ नाम है एक तरफ काम है, तो हमने कहा काम तो कल भी करते रहेंगे, लेकिन नाम के साथ जुड़ना आज फर्ज बनता है, इसलिए हम लोग सब छोड़ के फिर जो है इस नाम का आशीर्वाद ले लिया है। थैंक यू। आई एम निशा। आई दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में ही अवार्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, और वो अवार्ड मिलना हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और जहाँ तक मेरी बात है, आई एम मेकअप आर्टिस्ट निशा देसाई, और आज मुझे यहाँ पे मेकअप के लिए अवार्ड मिलने जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड, सो मैं काफ़ी खुश हूँ ये अवार्ड लेकर। ये सारे बहुत अच्छी बात है, बहुत न्यू कमर्स को जिन्होंने अपना परफॉर्म किया उनको अवार्ड मिलने वाला है, तो ये बड़ी खुशी की बात है, और दादा साहब फाल्के के नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, ये और अच्छी बात है, होना चाहिए, और आने वाली नई पीढ़ी को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी कल्याण जी जाना बहुत मेहनती आदमी है, मैं तो उनके साथ 2-3 फिल्में भी की है, राइटर डायरेक्टर एक्टर डांस डायरेक्टर सब कुछ है वो, तो इंडस्ट्री में एक चर्चा है उनकी, और अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका प्रोत्साहन इनको हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। जी सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम है जिससे कि इंडस्ट्री का कोई भी बंदा नावाकिफ नहीं है, और कल्याण जी जाना जो कि खुद बहुत ही मेहनती है जैसा पापा ने कहा, और नए लोगों को लेकर के हमेशा नया मौका देते रहते हैं, और ख़ुद भी बहुत मेहनत करते हैं, सो मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ये दुआ देता हूं कि इनका जो ये अवार्ड फंक्शन जिन्होंने शुरुआत की है वो खूब कामयाब रहे, और आने वाले सालों में भी ये कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, और जिनपे अवार्ड मिलता है वो बड़े लकी होते हैं, और इसके विषय में काफ़ी फेमस है, और लोग दूर दूर से देखने के लिए सुनने के लिए इसको आते हैं, और ये बड़ा अच्छा अवार्ड है जिनको मिलता है, वो बड़े लकी लोग होते हैं। मैं वाली हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं साड़ी में परफॉर्म करूँ या फिर मैं चेंज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा मूड करेगा मैं साड़ी में करूँगा। माय सिग्नेचर सॉन्ग रश के कमर, दैट्स इट।
देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड में ना आई हैव बीन नॉमिनेटेड दिस टाइम, बट द थिंग इज इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ और कभी बहुत पहले आता था तो आई वॉज लाइक जस्ट द नॉमिनी काइंड ऑफ है, बट अभी अच्छा लगता है. बहुत पुराना अवार्ड है इंडस्ट्री का और एक्टर्स को मोटिवेशन मिलता है एंड आई थिंक एवरी एक्टर हैज़ अ ड्रीम टू कम हियर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस. मैं सभी जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं ना कि कल्याण जी, स्नेहा गोगोई, ऑल्सो अजय जी, सबके लिए बेस्ट विशेज है. एक ही बंदे ने नहीं ऑर्गेनाइज किया, सब ने मिल के किया, ये टीम है. थैंक यू. सबसे पहले नमस्कार 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 नमस्कार. हाय दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है जिसके लिए मुझे भी बुलाया गया है और मुझे भी अवार्ड दिया जा रहा है. बड़ी खुशी है अब दादा साहब फाल्के हमारा नाम हमारे सिनेमा को आरम्भ करने वाले दादा साहब शख्स नाम के नाम से ही ये अवार्ड है. कौन दादा साहब फाल्के के नाम से बहुत से अवार्ड आज ला चुके हैं. मुझे अवार्ड थैंक यू. बहुत सारे अवार्ड मिले
कौन है ये? सबसे पहला अवार्ड जो मिला वो याद है, क्योंकि पहली बार टीवी पर डिक्लेयर किया कि कोरियोग्राफर को अवार्ड मिलना चाहिए। एक दो तीन के ऊपर पिक्चर चल गई, पहले उन्होंने कहा था कि कोरियोग्राफी क्या होती है, तीन मिनट आते हो चले जाते हो, मेकअप मैन के जैसा 3 घंटे थोड़े मेकअप करते हो या आर्टिस्ट के जैसा 3 घंटे थोड़े काम करते हो। जब ये पिक्चर चल गई तो उन्होंने डोर ओपन करके अनाउंस कर दिया कि कोरियोग्राफी का अवार्ड मिल गया। सो दैट इज अ गुड मेमोरी। और नदर बोला रे आई गॉट द ऑल स्वीपिंग अवार्ड, 17 अवार्ड। आज सरोज जी सेवी चौहान को आपने सम्मानित किया अवार्ड से, दादा साहब फाल्के अवार्ड से, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या देख रही हैं इनके अंदर, भविष्य का कैसा है? मैं तो इतना ही बोलूंगी कि अभी इन्होंने सैर रखा है, अल्लाह करे और आ रहा हूं आज सेवी। कांग्रेचुलेशन सेवी जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरोज जी के हाथों सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, पर अगर इतना अच्छा फर्स्ट टाइम ऐसे अवार्ड मिलता है जिसे बहुत बड़े माँ के हाथ से, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही बात, लव यू माँ। गणेश जी भी से गणेश आचार्य जी को ये अवार्ड मिला, मतलब आपको गुरु जी मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपकी जो फिटनेस से, जैसे आपने कहा था कि कोरियोग्राफर को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, पैसे भी कम मिलते थे। जब एक दो तीन सक्सेस हुआ तो हमने प्राइस बढ़ा दिया, हमने कहा 1 लाख रुपए लेंगे एक गाने का, तो सब कोरियोग्राफर्स को चांस मिल गया। उसके बाद मैंने हैट्रिक किया, वो एक याद है, क्योंकि 88 में तेजाब के लिए, 89 में मिला चालबाज श्रीदेवी, और 90 में मिला सैला, और एक बाजी मार गया चीनी प्रकाश चुमा चुमा। उसके बाद मैंने फिर मारा दो, बेटा और चोली के पीछे गया, धक धक करने लगा और चोली के पीछे। क्या लगता है कि अवार्ड जो होता है हमेशा डेफिनेटली इट्स अ मोटिवेटिंग थिंग, बट अभी जैसे आपने कहा तो मैं कल ही आया हूँ, अभी ये अवार्ड मिलने के बाद और कितना जोश और आना है इंशाल्लाह। और किस तरह देखते हो इन दिनों आज का जो एक माहौल है इंडस्ट्री का, अभी क्या हो गया ना कैंपिंग, कि मेरा कैंप ये, इसका कैंप ये, इसका कैंप। पहले आर्ट को देखा जाता था, अभी आर्ट को देखते मेरा चमचा मेरे कैंप। बाकी कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानता है। थैंक यू मैडम। बहुत सारे सवाल है, हाल ही में मुंबई में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेड़ काटे गए आ रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पेड़ काटे गए, पेड़ हाँ काटे जा रहे हैं आ रहे को लेके, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? मैं तो इतना ही बोलूंगी कि थोड़े दिन में हम लोग ब्रीदिंग बंद कर देंगे, हमारे बच्चे लोग सफर करेंगे, इसीलिए एक पौधा एक इंसान थैंक यू सो मच। और हम ऐसे ही जल्द मिलते रहे, आपको ऐसे अवार्ड मिलते रहे। थैंक यू सो मच। मैंने तो मैं कहूँगी छुरी ने इस लायक मुझे सबका और ये अवार्ड मुझे दिया, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी है, आप हमेशा मेरे दिल के करीब रहे, अच्छा लगता है। कल्याण जी जाना है, उनके बारे में क्या कहेंगे? किनके बारे में? कल्याण जी जाना, मैं उनसे अभी मिली नहीं, उनसे मिलूंगी मैं अभी। अरे इंद्र बिग बॉस के बारे में क्या क्या कहना चाहता है, आप फॉलो कर रहे हो देख रहे हो बिग बॉस? बिग बॉस के बारे में कुछ एक्चुअली कहना ही नहीं चाहती, बिकॉज लोग भी कुछ नहीं कह रहे हैं शो के बारे में, मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस 13 में वो बात होती है, कुछ कोई खास बस नहीं है, मुझे ज्यादा कंटेस्टेंट भी नहीं पता, तो 2-3 कंटेस्टेंट जिनको मैं जानती हूँ, भारती, अभी मलिक और रश्मि है,
इनको मैं जानती हूँ तो इनके बारे में मुझे पता है, बाकी मुझे और कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है घर में, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपने देखा है एपिसोड? नहीं देखा है। मैंने एपिसोड नहीं देखा, पर थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आ जाते हैं मैं बस उसके बारे में जानती हूँ, बाकी मैं भी नहीं फॉलो कर रही हूँ। सभी चौहान जी, आप आगे बिग बॉस फॉलो करते हैं, क्या ओपिनियन है आपका 13 बिग बॉस से? कोई खास बस नहीं है और कोई शो का कुछ भी नहीं है, ऐसे आज एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है पूरे शो का, और इनफैक्ट जितने लोग मुझे, मैं इवेंट्स के लिए जब ट्रैवल कर रही हूँ, पीपल कम अप टू मी, दे आस्क मी अबाउट द शो, मुझे कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, और जब मैं उनसे पूछ लेती हूँ कई बार कि आई होप यू एंजॉयिंग इट सीजन 13 नाउ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि 13 शुरू भी हो गया, मतलब लोगों को ये बात पता भी नहीं है, तो ऐसा कोई बस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई थिंक मैं खुद भी नहीं एंजॉय कर रही हूँ। फॉर्मेट चेंज हुआ उनका 13 का फॉर्मेट चेंज हुआ, क्या इसका ये बैकड्रॉप है क्या? इस BFF का कोई कॉन्सेप्ट है, उनका फॉर्मेट है कि लड़का लड़की दोनों साथ में सोएंगे, कुछ तो ऐसा है, पर मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं शो फॉलो ही नहीं कर रही, मेरे खुद के ही इतने इवेंट्स हो रहे हैं, आप लोगों के सामने आई हूँ, आपके पास आई हूँ, यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ, मैं खुद इतना ट्रैवल कर रही हूँ, डांडिया शोज है मेरे, मैं कहाँ से देखूँ, बस थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे देख लेती हूँ, बस उसी में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, बट नथिंग स्पेशल अबाउट इट। चलो हो गया, थैंक यू। अवार्ड के बारे में खासकर बात करूँ, मैं आज मेरी नहीं, बिकॉज महेश सिंह के नाम से जो अवार्ड हो रहा है, और उसमें कुछ ना चीज़ को आपने सेलेक्ट किया जूरी ने, और इस काबिल समझा कि मैं ये अवार्ड लूँ, और इस अवार्ड ने भी और मेहनत करने का मुझे इशारा किया है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करना और डेडिकेशन के साथ काम करना, कोशिश करूँगा कि और अच्छा करूँ। लेजेंडरी हमारी कोरियोग्राफर रह चुके हैं, सारे बड़े बड़े स्टार्स के शागिर्द रह चुके हैं, उन्होंने बहुत बड़ा करना चाहता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो इतने साय में बैठे हम लोग और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उनके बीच में हमारी शिरकत हो रही है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर। गाने की बात, कौन सा गाना याद आ रहा है? वो सारे गाने याद आ रहे हैं, मेरा या किसी का, किसी का मतलब गाना, मैं अपना एक गाना आ रहा है, वो भी सिंगल आ रहा है, उसके बारे में बात करूँगा, जो भी कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाला है, उसका नाम है मेरा राम, और बहुत अच्छा वीडियो बनाया हमने, मनाली में शूट किया है, तो सिंगल का जमाना आजकल, मैंने कहा हमें भी कुछ करना चाहिए इस रास्ते में, और मेरे साथ मेरे दोस्त सना शेख जिन्होंने एक्ट किया है मेरे अपोजिट, और दोनों का डेब्यू है ये, और आप सबसे आशा है कि आप उस गाने को पसंद करेंगे जब भी वो आएगा, टाइटल है मेरा राम, और दो लाइन आपको गुनगुना भी देता हूँ, जब आप आए तो आप याद रहे वो गाना कौन सा। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड सम्मानित किया गया है, क्योंकि अपने आप में ही चुनाव में अवार्ड दादा साहब फाल्के आईकॉन अवार्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि इस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। बड़े बड़े नाम आए थे, सरोज जी आई थी, मतलब गणेश जी आई थी क्या? यस, मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, सरोज जी से आज मैं पहली बार मिली, और जब एक होता है ना लाइक सबका पूरा हो गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा और हाथ को चूमा, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे थे, बहुत ही सीनियर एक्टर यहाँ पर मौजूद थे हिंदी के, उन सबके साथ मुझे ये अवॉर्ड दिया गया। यही छपने वाला है, हाँ ये भी छपने वाला है।
वाला नहीं छपेगा, अब वो कैंसिल हो गया, ये तो छपेगा। I'm very happy and very lucky to be the part of this amazing award ceremony. और मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे लेवल पे ये हुआ है होगा और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और कल्याण जी मेरा दोस्त है जिसने ऑर्गेनाइज किया है ये, सो आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि कल्याण जी ने बड़े बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए थे और सभी लोग आए थे। मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ कि सरोज जी आई थी, मास्टर जी आई थी, तो मैं बहुत वार्म फील किया मैंने उनके लिए कि उनके साथ एक अवार्ड सेरेमनी में मुझे भी मिला, उनको भी मिला और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। सो आई थिंक वेरी हैप्पी लकी एक साथ दो चीज़ें हुई हैं और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको कैप्चर किया। Such a young age, like you getting this award, it's quite like, you know, industry के हमारे फादर थे वो, उनके नाम से भी अवार्ड हो रहा है, वो आपको मिला है, इसका श्रेय आप किसको दोगे? सी बेसिकली मैं इसका श्रेय तो मेरे मॉम डैड को दूंगा और मेरे गॉड को दूंगा, मेरे ऊपर वाले को दूंगा कि जिसने मुझे सब जगह से रास्ता होते 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 लेफ्ट राइट होते होते पहुँचाऊँ जैसे पहुँचाऊँ। सो आई थिंक शुरुआत है बस, और अल्लाह ताला और दे और मेहनत करूँगा और सच्चाई से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, डे नाइट करूँगा बस। आप सभी लोगों ने उसको मुझे भी जोड़ा, एक अपना बना के मुझे यहाँ तक लाया, तो आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट टू डू वर्क एंड अवार्ड के पीछे नहीं बल्कि काम के पीछे भागूंगा और अच्छा लगा। और इसके बाद क्या अच्छा काम हो रहा है इसकी भी एक्साइटेड है? फिल्में कर रहा हूँ मैं बेसिकली, बीच में मैंने रियलिटी शो करना स्टार्ट किया था तो डांस इंडिया डांस वो सब किया था, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रियलिटी शोज के लिए मेरे को बहुत लोगों ने बोला बोला नहीं यार जो मेरी फिल्में हैं जिसके लिए मैं बना हूँ, जिसके लिए मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, उनके गाने करने हैं, शूट करने हैं, बड़े गाने करने हैं, छोटे गाने करने हैं, सब टाइप के गाने करने हैं, तो वो मैं उसमें लग गया और आज भी गाने कर रहा हूँ। मेरी फिल्म अभी मरजावा आने वाली है तो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। सिद्धार्थ मल्होत्रा है, दाना सुंदरिया है, रितेश देशमुख है, एंड सब एक फिल्म है नाम कान वेट फॉर इट, मिलाप सरवरी ने डायरेक्ट किया और मैंने उसके गाने काफ़ी कोरियोग्राफ किए हैं, सो आई थिंक आई एम लविंग इट, आई एम वेटिंग फॉर दैट। रितेश का रोल इज आल्सो क्वाइट, हाँ रितेश इज 3 फीट का विलन, आई थिंक बस ही इज किलिंग इट, इवन सिद्धार्थ इज किलिंग इट। इसके अलावा बॉस चल रहा है तो आप एक बॉस आपने देखा है, 13 काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है बॉस में, आप क्या कहना चाहिए? ट्रेंड हो रहा है कि बॉस को बंद किया जाए, आप क्या कहना चाहिए? बंद बंद क्यों करना है भाई, पब्लिक के लिए इतना अच्छा शो है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड शो, एक अलग टाइप का शो है, उसमें बहुत सारे गॉसिप्स है, मसाले हैं, अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग शो मिलता है देखने के लिए, मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस हमारी भाई से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बिग बॉस प्रोड्यूसर भी जी, भाई प्रोड्यूसर है भाई, और ये बंद करवा रहा है सर, भाई प्रोड्यूसर ये बंद करवा रहा है। सलमान खान ने इतने मतलब फेल किया, सलमान भाई की वजह से आज इधर बैठा हूँ, आज यहाँ पे बैठा हूँ तो सलमान भाई की वजह से बैठा हूँ कि आज जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, ऑब्वियसली और आगे जाना है इंशाल्लाह, बट भाई की वजह से, भाई की नज़र की वजह से, तो मुझे बोलते ना वो लाखों में से किसी एक को चुन लिया कि भाई ये कुछ डांस वांस अच्छा कोरियोग्राफ कर सकता है, तो मौका दिया उन्होंने और मैं धीरे धीरे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, तो आई थिंक थैंक्स ऑल थैंक्स टू सलमान सर के, जिनकी वजह से छोटा मोटा जो भी आज बन पाया। मैंने आईफा उनके लिए कोरियोग्राफ किया, आईफा का फिनाले मैंने कोरियोग्राफ किया है, आप लोग देखेंगे I keep doing things. Dhawan 3 का भी कुछ है, I'll tell you. Thank you. और ये बंद करा रहा है दो राय नहीं है कि खुशी का ठिकाना नहीं है, दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा नाम है कि मुझे नहीं लगता इतना काबिल हो पाएंगे भी और जिस तरह से फंक्शन हो रहा है उसका भी इतना सा फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें अगर पूरी जगह पे नाम है नाम में इतना है कि अभी लगता है कि अभी काम के लिए बहुत जोश
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मीडिया से आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बिकॉज हमारे ये पहली बार है दादा साहब पार्टी साइकिल अवार्ड, आप सबसे क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है इसका साथ आप लोगों का भी पूरा पूरा बनता है, मतलब ये आपका साथ बनता है कि इस तरह के अवार्ड को आगे एक ऑर्गेनाइजर से लेके जाएं ताकि ये जो माहौल जो क्रिएट हो, आज इतने सारे कलाकार मैंने लिखे हैं और इतने सारे कलाकार आए हैं और इतना बेहतरीन माहौल योगदान मैं चाहता हूँ दिल से बिकॉज आप लोगों ने हमें बनाया है, आप नहीं है तो हम नहीं है और आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की तवज्जो की वजह से हम लोग बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस और कुछ जाते जाते कुछ इस ओके रिसेंट गाना बहुत सबने पसंद किया जबरिया जोड़ी से बिजली गिरा दे रानी वो कूलर चला दे रानी आया है हीरो धमाल कर दे बैंड बजेगा आजा नाचेगा तेरा राजा कॉल फिर पे तू कॉल कर दे बटना हिले बलिया हिले छपरा हिले ला वो छोरी लचके वो तेरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिले ला वो पीछे से डांस करे आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है और ये और अभी ये मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकॉन मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ शैलेंद्र को हमेशा आगे बढ़े और हमेशा ऐसे दादा साहब फाल्के अवार्ड करते रहे और सबको जितने सेलिब्रिटी हैं जो फिल्म सिटी में इतना इतना साथ काम कर चुके हैं उनको अवार्ड देते रहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो काफ़ी 50-60 से सेलिब्रिटी आए थे सबको अवार्ड मिला और मुझे भी इससे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है मुझे बहुत गौरव और बहुत खुशी हो रही है मुझे दूसरा सरकार दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है किसी का फोन रह गया यहाँ पे मैडम आपका फोन रह गया लाओ लाओ मुझे दो अवार्ड आप पहले विशाल जी से जानना चाहेंगे विशाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और आज आपको प्राप्त हुआ है कितनी खुशी हो रही है और कितनी जवाबदारी बढ़ गई है आपकी और क्या कुछ कहना चाहेंगे जी दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम हमारे दादा उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके जितने भी यहाँ पर कलाकार जो आज उनको सम्मान के नाम पे यहाँ पर आए हैं और जिस प्रकार कल्याण जी और उनके सहयोगी ने दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड का आयोजन किया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है और उनके नाम पे किया है जिन्होंने बॉलीवुड का स्तंभ रखा है ऐसे लोगों का अवार्ड उनके नाम का अवार्ड मिलना एक बहुत गर्व की बात है और आज मैं बिल्कुल ही तहे दिल से बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ मुझे यूथ आइकॉन के नाम से मिला है मैं बॉलीवुड में जुड़ा हुआ था कुछ सालों से मैं बॉलीवुड से हटके सेवा में लगा हुआ हूँ और जो मेरा प्रयास है उसके लिए लोगों ने जो मुझे प्यार दिया जो लोगों ने चिन्हित करके मुझे यहाँ पर बुलाया जैसा घर घर तुलसी हर घर तुलसी का कार्यक्रम हमने आयोजन किया ऐसे बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं पेड़ लगाने का जो बात होता है उसके लिए भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मैं सेलिब्रिटी लोग से भी आग्रह करता हूँ कि वो लोग भी पेड़ लगाने में और जीवन को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें और मैं इस पूरे टीम को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इतना बढ़िया आयोजन दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड
ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत सम्मान की बात है। सर हमने आपको हमेशा से देखा कि आप कभी गरीबों की मदद करते हैं, रस्ते के लोगों को खाना बांटते हैं, कभी दूध बांटते हैं, इस तरह का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आता है? सेवा हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे संस्कार में है। और जब हमारे परिवार में सेवा का भाव दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, वही राह पे चलता हूँ मैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसी प्रकार सेवा आगे भी करते रहूँगा। ओके, जैसे कि आज आपके साथ एक बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और वहाँ पे गुरु माँ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बिग बॉस के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा कि गुरु माँ है और मेरे बगल में कीर्ति जी है, अनाउंसर है, एंकर है, बहुत अच्छी एंकर है। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आज मुझे बिग बॉस से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति के साथ में आज बिग बॉस खिलवाड़ कर रहा है, जिसको मान्य नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ जो बिग बॉस में आज जो स्थिति पैदा किया गया है, जो हमारे संस्कृति में कभी भी एक मर्द दूसरे महिला के साथ में नहीं रह सकते हैं, और इस प्रकार आज बिग बॉस में दिखाया जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति का खिलवाड़ है, जिसको हिंदुस्तान और हम जैसे समाज सेवक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर जैसे कि आज आपने कई लोगों को आपने अवार्ड भी दिया, कैसा महसूस होता अवार्ड देना और अवार्ड मिलेगा? जब समाज में आप सेवा करने निकलिएगा तो आपको हर तरह का चीज़ों से सम्मिलित होना पड़ता होगा, आपको देना भी पड़ता होगा, लेना भी पड़ता होगा। तो आज मैं देने में भी बहुत अच्छा महसूस किया, जिस प्रकार फिरोज खान को कल्याण जी ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से चिन्हित करके लेके आए उसको, और वो जो फिरोज खान है वो ऐसा लड़का है जो कोई भी आदमी अगर जाता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो वो निस्वार्थ सेवा करता है, उसको सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए गुरुमा आपका क्या कहना चाहिए? गुरुमा ये भी दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, कैसे देखती हैं कितना जो थोड़ा डिशे आज के दिन और बढ़ जाएगा आपका, थोड़ा कुछ क्या कुछ कहना चाहिए? आप सबको नमस्कार कहना चाहूँगी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को प्रणाम है मेरा, आप सबको आशीर्वाद भी है मेरा। दादा साहेब फाल्के आइकॉन फाउंडेशन, आई होप आगे और भी अच्छा काम करेंगे, मेरा प्रेयर्स है उनके लिए, आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा करें वो। दादा साहेब फाल्के इज द गॉड फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई एम सो प्राउड टू बी हियर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू द फाउंडेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। काफी प्रोटेस्ट हो रहा है गोरेगांव आ रहे को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेड़ काटे गए, बीजेपी सरकार की तरफ से बहुत गलत निर्णय लिया गया, गलती हर किसी से होती है, मैं किसी की सरकार के नाम नहीं लूंगी, गलती हर किसी से होती है। एक्चुअली पेड़ पौधे काटना नहीं चाहिए और ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर क्या होगा आपको भी पता है, और मैं कंट्रोवर्सियल सिचुएशंस के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूँगी। सर ने जैसे कि कहा पेड़ लगाने चाहिए, तो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? डेफिनेटली सी, आई एग्री विथ हिम, मैं उनके साथ एग्री हूँ, पेड़ लगाना चाहिए, एटलीस्ट घरों से स्टार्ट करना चाहिए, घरों में आप पेड़ पौधे फ्लावर्स लगाएं, और बाकी देना चाहिए वो ये टाइम की असेंबली इलेक्शन में टिकट मिल जाए, उनकी कड़म के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनकी कड़म डेफिनेटली खेल बिना भी रहे। प्रीति जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी सम्मानित किया गया, खुशी हो रही है? सच ए टेंडर एज एंड मैंने जस्ट 2018 में स्टार्ट किया रोली से, फिर बिग बॉस और फिर मुझे अब अवार्ड मिल रहे हैं, मेरे को रिकग्निशन मिल रही है, जिससे मैं सेकेंड अवार्ड, सो आई फील प्रिविलेज एंड ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। मीडिया आप हो तो हम हैं, वरना हम कहाँ है, वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। और क्या और क्या कुछ चल रहा है निजी जीवन में इसके अलावा आज के अलावा? यस, मेरी एक मूवी आने वाली है लखनऊ जंक्शन, एंड आई एम डूइंग टीवी कमर्शियल म्यूजिक वीडियोज, एंड आई एम लुक, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत नेपोटिज्म है, एंड आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, सो
तो गेटिंग वर्क है बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी अगर मुझे मिल रहा है आजकल जैसे रियलिटी शोज में एक्चुअल में रॉ टैलेंट को प्रमोट करते हैं क्योंकि मैं उसके जीती जाती एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल मैं रोडी से मैंने अपने आप को प्रूव करा, तो एक स्टेयर केस मुझे मिली मेरे दम पे, पर मैंने वहाँ कैसे की और मैं आगे कैसे बढ़ी वो मेरे पे डिपेंड करता है, पर साथ ही साथ की अगर आपके पास एक पुश हो पीछे से तो बहुत अच्छा होता है. सो स्लोली एंड स्टेडली आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ओन स्पेस एंड स्पेस इन दिस इंडस्ट्री, और जिसका ये सबूत है कि मुझे रिकग्निशन मिली है और मेरे लिए आगे दरवाजे और भी खुलेंगे, मैं यही इच्छा करती हूँ और भगवान से दुआ करके मुझे और अवार्ड मिलते हैं. चलिए थैंक यू, थैंक यू. चालू हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस शो? मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, वो एक सपनों का घर है बिग बॉस हाउस, एंड वहाँ जाना बहुत बड़ी बात है. बिग बॉस अलग अलग यूनिक कैरेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया लाते हैं, और बिग बॉस 12 भी बहुत अच्छा था, 11 भी बहुत अच्छा था, 13 है वो भी बहुत अच्छा है. हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि बिग बॉस 13 में इस बार कुछ नया आया है, यू नो दैट इज बेड फ्रेंड्स फॉर एवर, जिसमें उन्होंने खुद ही बेड मेट्स बनाए हैं. सो प्रोबेबली दैट इज वेरी अ लिटिल वियर्ड थिंग, लेकिन वो काफी बॉर्डर लाइन पे दिया गया था. आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बट देखो वैसे भी जो भी होता है, चाहे मैं कह लूँ चाहे कैमराज ना भी हो, राइट, हमारे पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं या नहीं. एंड दैट टू अगर तुम बिग बॉस के घर में हो जहाँ सैकड़ों दुनिया तुम्हें देख रही है, जहाँ मोर देन 150 कैमराज है, तो एवरीबडी नो देयर लिमिट्स, सो इट्स स्टिल ओके सर. जैसे कि सर ने भी कहा कि बंद होना चाहिए, ट्रेंड हो रहा है आज सोशल मीडिया में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो टीवी है ना, टीवी एक माध्यम है बच्चों के लिए, क्योंकि बिग बॉस बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, यंगस्टर्स भी देखते हैं, टीनेजर, एवरीबॉडी वॉच इट. इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि वो क्या सीखेंगे, राइट, कि कल को मैं भी अगर मैं स्कूल में हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ, यू नो आई कैन गो फॉर नाइट आउट, नाइट से किसी तरीके से वो भी प्रमोट हो रही हैं चीज़ें, विच आई डोंट स्टैंड बाय. प्रोबेबली शायद मैं भी अपने बच्चे, अगर इन केस मेरे बच्चे होते अभी, तो मैं भी शायद उनको मना करती, बट एक और हम यू नो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो अगर ये हम नेगेटिव देख रहे हैं, हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि इसमें वेस्टर्न कल्चर में हम ये भी देख सकते हैं कि हमें अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि इवन इफ यू स्लीप विद अ गाय, सो स्टिल टू सम लिमिट इट्स फाइन टिल द टाइम यू गाइज नो योर बाउंड्रीज. सो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इट हैज प्रोज इट हैज कॉन्स, सो अपनी अपनी सोच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं क्या कहना चाहेंगे, काफी बोलना चाहिए, आप काफी लोगों के लोकप्रिय नेता है, आप बोलना चाहेंगे उनके बारे में? मैं बहुत सम्मानित होकर महसूस कर रही हूँ कि आज मैं इनसे मिली, मैं इनके साथ में बैठी हूँ, इंटरव्यू ले रही हूँ, एंड एट सच अ टेंडर एज मुझे ये मौका मिला था, आई रियली फील ग्लैड. मेरे साथ गुरु माँ बैठी हुई है, सो आई विश यहाँ पे मेरे मॉम डैड होते तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं. So thank you everyone. Sure. Thank you. Yes, मैं कृति वर्मा, बिग बॉस 12 कंटेस्टेंट, एंड मेरी अपनी भी पहचान है, मैं एक्साइज एंड कस्टम ऑफिसर, मैं MTV रोडीज कर चुका है, मेरी मूवी आने वाली लखनऊ जंक्शन. आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दशहरा की, खूब खाइए, खेलिए, रावण जी को ज़्यादा जलाने की जरूरत नहीं है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, लोग मेहनत कर रहे हैं कि पेड़ होगा और आप करेंगे तो बहुत पॉल्यूशन होगा, तो जलाइए मत, बट यस पूजा करिए और सोचिए कि अपने अंदर के रावण को मारना है और अपने राम जी को आगे प्रमोट करना है. कीप पीस इन सोसाइटी. सर आप दशहरा की शुभकामनाएं दे दीजिए. दशहरा के उपलक्ष्य में तमाम भाइयों बहनों माताओं सबको मेरे तरफ से दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं. जिस प्रकार आज देश में प्रदूषण के चलते बहुत सा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, वैसा ना करना पड़े, इको फ्रेंडली रावण जी बनाया जाए और होलो सिस्टम के द्वारा उनको समाप्त किया जाए. जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली रावण बना के उनको दहन किया जाए. गुरु माँ आप कुछ कहना चाहिए Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.